हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में एंड आइडियोग्राम के बारे में कि क्या होता है कैरियोग्राम या फिर आइडियोग्राम। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आज डील करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि चीजें आपके दोस्त तक भी पहुंच सके। ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अमित, कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैरियोटाइप, है ना? ह्यूमन कैरियोटाइप। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैरियोटाइप क्या होता है, राइट? कैरियोटाइप क्या होता है? तो कैरियोटाइप इज अ कंप्लीट सेट ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, कंप्लीट सेट ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम इन अ सेल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल के सेल में जो मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम का सेट होगा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैरियोटाइप। क्या कहलाता है? कैरियोटाइप। अब और आप दूसरे भाषा में भी, मतलब दूसरे वे में भी इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना? या फिर आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर एंड विजुअल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोटाइप। ठीक है, तो कैरियोटाइप क्या हो गया? ह्यूमन कैरियोटाइप हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैरियोटाइप क्या होता है। तो कैरियोटाइप क्या हो गया? किसी भी इंडिविजुअल के सेल में जो मेटाफेज स्टेज का जो क्रोमोसोम होता है, एक मेटाफेज स्टेज का क्रोमोसोम का जो कंप्लीट सेट होता है, दैट इज कॉल्ड अ कैरियोटाइप। या फिर वैसा इसको और दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पे कि क्रोमोसोम का नंबर और क्रोमोसोम एक विजुलाइज मैनर में दिखे, क्लियर अपीयरेंस क्रोमोसोम का हमें दिखे एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको कहेंगे हम लोग कैरियोटाइप। ठीक है, तो कैरियोटाइप समझ में आया? ठीक है, कैरियोटाइप। अब ये जो हम कैरियोटाइप के बारे में पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड कैरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए। स्टडी ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। ठीक है, कैरियोलॉजी कहते हैं। अब ये जो कैरियोटाइप हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इसका मकसद क्या होता है पढ़ने का, और हम ये यहाँ पे मेटाफेज स्टेज की ही बात क्यों कर रहे हैं? और भी स्टेजेस होते हैं, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, ठीक है, इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, तो हम मेटाफेज स्टेज की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली हमें दिखता है। ठीक है, क्लियर अपीयरेंस होता है क्रोमोसोम का, और इस समय हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोसोम का नंबर, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोसोम का साइज, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए मेटाफेज स्टेज का क्रोमोसोम जो है वो लिया जाता है। तो मेटाफेज स्टेज का जो क्रोमोसोम लिया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है? तो इट इंक्लूड्स
यदि आपको कहीं पे राइटिंग वगैरह नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, मैं थोड़ा बड़ा इसको लिखने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इट इंक्लूड्स क्या क्या होगा, जैसे कि हम इस स्टेज में क्या नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम देख सकते हैं, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम देख सकते हैं, राइट, CHR क्रोमोजोम, ठीक है। और क्या देख सकते हैं कि शेप एंड रिलेटिव साइज देख सकते हैं कि क्रोमोजोम का साइज क्या है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें देख सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर देख सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर देख सकते हैं कि सेंट्रोमेयर किस पोजीशन पे है। ये सेंट्रोमेयर वाला पोजीशनिंग आप लोग पढ़े भी होंगे कि इसके बेसिस पे, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोजोम को डिवाइड करते हैं, है ना, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के आधार पे मतलब चीजें क्लियर दिख सकती है मेटाफेज में कि सेंट्रोमेयर का पोजीशन किस कहाँ पे है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं कि नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ जीन देख सकते हैं, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ जीन्स देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, सीक्वेंस पैटर्न देख सकते हैं, राइट, सीक्वेंस पैटर्न देख सकते हैं। सीक्वेंस पैटर्न की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें, जिसको कहते हैं क्रोमो सीक्वेंस पैटर्निंग, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्रोमोजोम बेंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्रोमोजोम बेंडिंग, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगी, क्रोमोजोम बेंडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये जो हम लोग कैरियोटाइप जो देख रहे हैं, तो ये इसका मकसद क्या होता है कि जैसे कि इसकी हेल्प से किसी भी एबनॉर्मेलिटी का पता लगाया जा सकता है कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर या नंबर में वेरिएशन के कारण कोई चेंजेस यदि आ रहे हैं तो इसका पता लगाया जा सकता है, नंबर या अरेंजमेंट जो है क्रोमोजोम का सही है कि नहीं है, शेप या साइज जो है वो सही है या नहीं है, सेंट्रोमेयर का पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, सिग्नस जीन का सीक्वेंसिंग जो है वो सही है या फिर नहीं है, एक स्पेसिफिक मैनर में जो होना चाहिए वो है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से पता चलती है फ्रॉम मेटाफेज क्रोमोजोम्स, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब ये जो कैरियोटाइप होता है ये एक लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड इमेज होता है, ठीक है, कैरियोटाइप क्या होता है, एक लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड इमेज होता है, क्या है कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होता है ये मैंने बता दिया है, ये एक लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड इमेज होता है, किसका इमेज होता है, तो ऑफ पर्सन क्रोमोजोम, ठीक है, किसी पर्सन का जो क्रोमोजोम का एक इमेज तैयार करा जाता है, ठीक है। अब ये इमेज जो तैयार किया जाता है ये किस पर्पस से किया जाता है, तो जितने सारे पर्पस बताए कि एबनॉर्मेलिटी क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर या नंबर में एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे डिजीज के बारे में ऐसा पढ़ा, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आपने पढ़ा है कि XXY होता है, तो XXY हो रहा है यानी कि यहाँ पे एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये हमें कैसे पता चलता है, इसी प्रोसेस के जरिए हमें पता चलता है। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल के अंदर के क्रोमोजोम का इमेज जो है वो तैयार करा जाता है लैब में, ठीक है, और किस तरीके से किया जाता है, इसका पर्पस क्या हो गया आपको, एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड नंबर, ठीक है, टू चेक, ओके। अब ये जो किया जाता है क्या, सबसे पहले क्या किया जाता है कि सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होता है उसकी एक पिक ली जाती है, ठीक है, मतलब टेक अ पिक्चर ऑफ द क्रोमोजोम ऑफ अ सेल, ठीक है,
क्या किया जाता है, सबसे पहले एक पिक्चर ली जाती है, उसके बाद इस क्रोमोजोम को कट किया जाता है, कट द क्रोमोजोम। अब कट करने के बाद क्या किया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है, अरेंज अरेंज देन अकॉर्डिंग टू साइज के बेसिस पे, ठीक है, बेंडिंग पैटर्न के बेसिस पे, बेंडिंग पैटर्न के बेसिस पे और सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। किस किस बेसिस पे? सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले क्या किया गया, क्रोमोजोम का एक फोटो लिया गया, अच्छा हाँ ऐसा क्रोमोजोम दिखता है, इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्रोमोजोम को कट करा जाता है लैब में, उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बेंडिंग पैटर्न के आधार पे, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पे, एंड उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, इसको मतलब देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या देखते हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर एंड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो क्रोमोसोम का नंबर काउंट करा जाता है और मॉर्फोलॉजी देखा जाता है कि मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका जो आउटर अपीयरेंस है वो सही है या नहीं है, नंबर कहीं एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं हो गया क्रोमोसोम का या नंबर लॉस तो नहीं हो गया। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में? 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम में अगर कहीं कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया तो 47 हो जाएंगे, 48 हो जाएगा, है ना, और यदि लॉस हो गया तो 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 44 ऑटोसोम्स ही बचे रह जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी चीज को ये देखने के लिए ये प्रक्रिया जो है वो करी जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें की जाती है। तो कैरियोटाइप किसको कहेंगे कि एक कंप्लीट सेट ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम इन अ सेल ऑफ इंडिविजुअल क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। कैरियोटाइप का पर्पस क्या हो जाता है आपको, कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में एबनॉर्मलिटी है या नहीं है उसको चेक करने का, करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन कैरियोटाइप, इतनी बातें क्लियर है बताइएगा। ओके ओके अमित, ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप की अगर बात करें तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, किसी के पास ज्यादा क्रोमोसोम है क्या? नहीं, है ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो किसी के पास ज्यादा या कम हो जाएगा तो वो मेल फीमेल नहीं रह जाएगा, मेल फीमेल के आगे कुछ और हो जाएगा, हो सकता है कि डिजिस्ट कंडीशन हो जाए या मेल फीमेल के आगे जो है ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ठीक है, यदि एबनॉर्मलिटी देखा जाए क्रोमोसोम में तो, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम होता है, इस 46 क्रोमोसोम में क्या होता है कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, टोटल 46 यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम हुए, 23 पेयर्स क्रोमोसोम यानी 46 में 44 क्या हो गए, ऑटोसोम्स, ठीक है, और क्या होते हैं, 44 ऑटोसोम्स हो गए और वन पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 ऑटोसोम्स यानी कि कितना, 22 पेयर ऑटोसोम्स होता है और वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस तरीके से अगर ऑटोसोम्स के फॉर्म में लिखें कि 44 ऑटोसोम्स होता है तो 2 सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये तो हो गया कि यदि मेल और फीमेल रहे तो किस तरीके का, तो 44 ऑटोसोम्स वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम, वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम में यदि ये फीमेल है, क्या है, यदि ये फीमेल है तो इसमें क्या होगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, और यदि ये मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। तो अब ये कंक्लूड मत कीजिएगा कि यहाँ 47 हो गया, यहाँ पे यदि मेल और फीमेल की बात की गई है, 44 ऑटोसोम्स होंगे ही होंगे, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होगा, यदि वो फीमेल है तो 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, और यदि मेल है तो 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ह्यूमन कैरियोटाइप, ये होता है ह्यूमन कैरियोटाइप।
अब कैरियोटाइप क्या होता है, ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है, ये हमने देखा। अब उसके बाद एक चाचा जी की कहानी सुनेंगे। अब चाचा जी की कहानी क्या है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ओके, एक डैनवीर नाम के चाचा जी थे। कौन थे? डैनवीर नाम के चाचा जी। ये एक दिन बैठ कर सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि सब चीज का क्लासिफिकेशन हुआ है, क्रोमोजोम का क्लासिफिकेशन, थोड़ा सोचते हैं क्रोमोजोम का क्लासिफिकेशन कर लें। ठीक है, तो ये जो सोच रहे थे, इन्होंने क्रोमोजोम का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो इन्होंने ह्यूमन क्रोमोजोम को 7 ग्रुप में जो है क्लासिफाई किया, अरेंज कर दिया 7 ग्रुप। ठीक है, अब इसने सोचा कि हमने 7 ग्रुप में तो क्लासिफाई किया है, लेकिन किस आधार पे करें? तो इन्होंने साइज और शेप को आधार बनाया क्रोमोजोम का। ठीक है, तो साइज और शेप को आधार बनाया। तो ये डैनवीर ने क्लासिफिकेशन दिया था, इसीलिए क्लासिफिकेशन को डैनवीर चाचा के नाम पे डैनवीर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, डैनवीर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब डैनवीर क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, डैनवीर क्लासिफिकेशन में इन्होंने 7 ग्रुप में क्रोमोजोम को अरेंज किया था। किसके क्रोमोजोम को? तो ह्यूमन के क्रोमोजोम को, ह्यूमन क्रोमोजोम को ये 7 ग्रुप में क्लासिफाई करते थे। ठीक है, अब 7 ग्रुप कौन कौन सा है, तो साथ में ही बोलिए ना। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, आप लोग भी बोलिए, कितना, 7 ग्रुप कौन कौन सा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जी तक ही पढ़ना है, जी तक ही क्लासिफाई किया गया है, एक्स डब्ल्यू वाई जेड लेकर के नहीं जाना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाई किया। अब इन्होंने 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ठीक है, और अब किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने ये जो किया था, ये ग्रुप होगा, 7 ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाई किया। अब यहाँ पे हो गया क्रोमोजोम लिखेंगे, और यहाँ पे जिस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, इस वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेप एंड साइज के बेसिस पे, शेप एंड साइज के बेसिस पे, और यहाँ हो जाएगा क्रोमोसोम पे। ठीक, अब देखिए 7 ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाई किया कौन कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें यहाँ पे जो दो होंगे, दैट इज द डी एंड जी, यहाँ पे डी एंड जी, ये जो दो ग्रुप होंगे, ये दो ग्रुप सेट क्रोमोजोम कहलाता है, सेट क्रोमोजोम। अब सेट क्रोमोजोम क्या होता है, तो सेट क्रोमोजोम होता है सैटेलाइट क्रोमोजोम। यहां मैं लिख देती हूँ, सेट क्रोमोजोम का मतलब क्या हो गया, सेट क्रोमोजोम मतलब सैटेलाइट क्रोमोजोम, सैटेलाइट क्रोमोजोम। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोजोम। तो 7 ग्रुप हुआ ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें से दो ग्रुप ऐसे हैं जो कि सैटेलाइट क्रोमोजोम कहलाता है, वो कौन है, तो डी एंड जी है, याद रखिएगा। तो अब ए में कौन सा क्रोमोजोम पेयर आता है, बी में कौन सा क्रोमोजोम पेयर आता है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आता है, फिर हम लोग समझ ही जाएंगे कि कौन कौन सा आता है ना। तो ए में जो है आपका आता है, कितना पेयर आ जाएगा, 3 पेयर क्रोमोजोम। ठीक है, बी में कितना पेयर आ जाएगा आपको, 2 पेयर क्रोमोजोम। सी में आएगा आपको 7 पेयर क्रोमोजोम। काउंट करते जाइएगा, टोटल कितना पढ़ना चाहिए, 23 पेयर क्रोमोजोम काउंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया 3 पेयर क्रोमोजोम, और ई हो जाएगा 3 पेयर क्रोमोजोम, एंड एफ हो जाएगा 2 पेयर क्रोमोजोम। ठीक है, और जी हो जाएगा 2 पेयर क्रोमोजोम। तो आप यहाँ काउंट कीजिए, देखिए 23 मतलब पूरा हो रहा है, 3 2 5 5 7 12 12 3 15 15 3 18 18 2 18 2 20, है ना, 20 और 2 कितना हो गया। ठीक है, और एक पेयर एक्स
बात करेंगे अभी अलग से। तो यहाँ टोटल कितने हो गए 22, ठीक है। तो ऑटोसोम्स यहाँ पे हो गए। तो अब यहाँ पे तीन पेयर क्रोमोसोम जो हैं, ये तीन पेयर क्रोमोसोम कौन कौन से होंगे? तो पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम और तीसरा क्रोमोसोम, इन सभी को, इन तीनों को, यानी कि फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम को एक ग्रुप में रखा ए में, ठीक है। अच्छा, इसको आप समझने के लिए आपको थोड़ा मैं एक आइडियोग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा विजुलाइज हो। ये देखिए, इस तरीके से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। यदि ये मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, देखिए शॉर्ट हाइट है वाई क्रोमोसोम का, और फीमेल यदि है तो ये इस तरीके से 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक्स एक्स इस तरीके से क्रोमोसोम होगा। ये इसको कहते हैं कैरियोग्राम या फिर आइडियोग्राम कहते हैं, ये हम चलते बाद में, लेकिन अभी जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि 1 2 3 क्या कह रहा है। तो अभी जो मैंने बात किया कि 1 2 3 के बारे में, ये देखिए पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, इसको रखा गया ग्रुप ए में, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो क्रोमोसोम, दो पेयर क्रोमोसोम, दो पेयर क्रोमोसोम, यानी कि चौथा और पांचवा, इसको रखा गया बी में। किसमें रखा गया? बी में। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है कि तीन पेयर रखा गया ए में, यानी कि पहला क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम ए ग्रुप में रखा गया। उसके बाद आया सेकेंड पेयर क्रोमोसोम, सेकेंड पेयर क्रोमोसोम जो दो पेयर क्रोमोसोम बी ग्रुप में रखा गया, कौन होगा? चौथा और पांचवा। सात पेयर यानी कि छठा, छ से लेकर के 12 तक, अब ये मत सोचिए 6 से 12 6 होता है, काउंट कीजिए 6 7 8 9 10 11 12, कितना हुआ? 7 हुआ, ठीक है। तो 7 पेयर क्रोमोसोम सी ग्रुप में रखा गया। उसके बाद 3 पेयर क्रोमोसोम रखा गया डी ग्रुप में। तो डी ग्रुप में जो 7 पेयर क्रोमोसोम, अच्छा यहाँ पे जो सी ग्रुप में 7 पेयर क्रोमोसोम 6 से लेकर के 12 तक है, साथ ही इसके पास होगा एक इसका दोस्त एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम। अब उसके बाद आता है 3 पेयर क्रोमोसोम, किसमें होगा? डी में। तो कौन कौन से होंगे? 13th होगा, 14th होगा एंड 15th होगा। तो वी कैन से कि 13 से 15 तक चक का जो क्रोमोसोम होगा वो ग्रुप डी में होगा, और इसको सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ग्रुप ई में, ग्रुप ई में 3 पेयर है, यानी कि 16वां होगा, 17वां होगा एंड 18वां होगा। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि 16 से लेके 18 तक का क्रोमोसोम जो है वो ग्रुप ई में रखा गया। ग्रुप एफ में 2 पेयर क्रोमोसोम रखा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? 19th एंड 20, ठीक है, एक क्रोमोसोम रखा गया, और इसमें 21 22 क्रोमोसोम रखा गया, ठीक है। तो ये, और साथ ही जी ग्रुप में वाई क्रोमोसोम को रखा गया। क्या रखा गया? वाई क्रोमोसोम को रखा गया। तो इस तरीके से ये डैनविल चाचा जी जो थे ये थोड़े तेज निकले, और इन्होंने क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज के आधार पे, और इन्होंने अलग अलग क्रोमोसोम को अलग अलग ग्रुप में रखा, ए बी सी डी ई एफ जी एच इन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसमें ए में 3 पेयर क्रोमोसोम को रखा, 1 से 3 तक का क्रोमोसोम, बी में 2 पेयर, सी में 7 पेयर, डी में 3 पेयर, ई में 3 पेयर, एफ में 2 पेयर, जी में 2 पेयर। तो डी और जी सैटेलाइट क्रोमोसोम हो गया, साथ ही सी में एक एक्स क्रोमोसोम और जी में एक वाई क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब शेप एंड साइज की बात करते हैं। तो शेप एंड साइज जो ए ग्रुप वाला होगा, जिसमें कि 3 पेयर क्रोमोसोम यानी पहला, दूसरा, तीसरा क्रोमोसोम रखा गया है, इसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज होगा और मेटासेंट्रिक होगा, मेटासेंट्रिक होगा। अब मेटासेंट्रिक आप लोगों को पता है कि नहीं है, जरा बताइएगा। मेटासेंट्रिक के बारे में पता है? देखिए, मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है मिडिल, मेटा का मतलब मिडिल, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमेयर। तो जिसका सेंट्रोमेयर बीच में हो उसको कहेंगे मेटा सेंट्रिक। मैं इसको डायग्राम के हेल्प से ही दिखा देती हूँ, लिखूंगी तो फिर नीचे आ नहीं पाएगा जरा, है ना। ये देखिए, मैं बगल में डायग्राम भी बना देती हूँ ताकि आपको विजुलाइज करने में दिक्कत ना हो। दिस इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें बीच में ये देखिए, ये रहा सेंट्रोमेयर,
ये रहा सेंट्रोमेयर, तो सेंट्रोमेयर क्या है, बीच में है, ये जो दोनों आर्म है ये कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये चीज याद रखिएगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर बीच में, दोनों आर्म इक्वल, यानी एक आर्म क्या होता है पी आर्म होता है, एक आर्म क्यू आर्म कहते हैं ना तो पी एंड क्यू आर्म दोनों आर्म क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो पहला ग्रुप में रहने वाले क्रोमोसोम होंगे उनका साइज लार्ज होगा और जो शेप होगा वो मेटासेंट्रिक होगा। यदि हम इस क्रोमोसोम को, कर्सर कहाँ गया, हाँ, इस क्रोमोसोम को यदि हम अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, देखिए जरा, वी लाइक स्ट्रक्चर बन के आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से साइज बनेगा, इक्वल आर्म है, हाँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा ग्रुप बी, तो बी ग्रुप जो होगा, बी ग्रुप का जो क्रोमोसोम होगा उसका जो शेप होगा, चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कहाँ गया कलर, ये वाला, ये इसका जो शेप होगा वो लार्ज होगा बट सब मेटासेंट्रिक होगा, कैसा होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा। अब सब मेटासेंट्रिक कैसा होता है, सब मेटासेंट्रिक कैसा होता है, तो सब मेटासेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब बीच सेंटर पे नहीं होगा, बीच सेंटर पे ना रह के ये नीचे होगा, यानी कि इसको यदि अगर मोड़ा जाए तो ये कुछ जे सेपेड स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जे सेपेड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसके इसका दोनों आर्म इक्वल नहीं होगा, पी आर्म और क्यू आर्म इक्वल नहीं होगा, पी आर्म लार्जर होगा, क्यू आर्म छोटा होगा, तो ये इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। तो सब मेटासेंट्रिक यानी कि बीच से थोड़ा नीचे होगा सेंट्रोमियर, ठीक है। अब आते हैं सी ग्रुप में, तो सी ग्रुप का जो क्रोमोसोम होगा उसकी जो साइज होगी वो मीडियम होगी और शेप जो होगा वो सब मेटासेंट्रिक ही होगा, ठीक है। अब आते हैं डी ग्रुप, डी ग्रुप में का साइज जो होगा वो मीडियम होगा और जो शेप होगा वो मेटासेंट्रिक ही शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई ग्रुप, ई ग्रुप में जो होगा शॉर्ट होगा एंड मेटासेंट्रिक होगा, सॉरी शॉर्ट एंड सब मेटासेंट्रिक होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा, मेटासेंट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ नीचे, कहाँ आ गया, ई हो गया, एफ में हो गया आपको शॉर्ट होगा एंड मेटासेंट्रिक होगा, शॉर्ट एंड मेटासेंट्रिक होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज एफ हो गया, जी बचा हुआ है, जी कैसा होगा, शॉर्ट एंड एक्रोसेंट्रिक होगा, शॉर्ट एंड एक्रोसेंट्रिक होगा। तो अब ये मेटासेंट्रिक समझ में आ गया, सब मेटासेंट्रिक समझ में आ गया कि कैसा होता है, ठीक है। और मेटासेंट्रिक तो बता ही दिया, सब मेटा ही बता दिया, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रो का मतलब होता है हेड, यानी कि जो क्रोमोसोम होगा क्रोमोसोम के हेड के ऊपर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। इस तरीके से क्रोमोसोम का क्रोमोसोम हो और क्रोमोसोम का हेड वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में यदि सेंट्रोमेयर प्रेजेंट हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर का जो क्रोमोसोम होगा उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के हेड वाले रीजन में आपको सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, बताइएगा ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, बताइए। बात करने वाले हैं आइडियोग्राम के बारे में, ठीक है। तो आइडियोग्राम क्या होता है, देखिए कैरियोग्राम या इसी को आइडियोग्राम भी कहते हैं, ठीक है, कैरियोग्राम या फिर इसी को आइडियोग्राम भी कहते हैं। अब कैरियोग्राम का मतलब क्या हो जाता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज, समझ आ रही है बात, कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
representation of chromosome in order of decreasing size. यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका? क्रोमोजोम का. किस वे में? डिक्रीजिंग साइज के वे में. आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा क्रोमोजोम जो है सबसे पहले है, फिर धीरे धीरे इसकी साइज देखिए डिक्रीज होती जा रही है. देखिए साइज धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है धीरे धीरे साइज. तो घटते हुए क्रम के आधार पर जो क्रोमोजोम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बोलते हैं कैरियोग्राम या फिर आइडियोग्राम. बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई? तो घटते हुए जो क्रम है यहाँ पे, इसी जो क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है घटते हुए क्रम में, यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैरियोग्राम या फिर आइडियोग्राम कहलाता है. अब कैसे? अभी क्लासिफिकेशन जो हमने बताया उसको डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए. ये ए ग्रुप हो गया, ये हो गया बी ग्रुप, और क्या था? ए ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी. इसमें कितना पेयर था? तीन पेयर. इसमें कितना पेयर था? दो पेयर. इसमें सात पेयर. के बाद तीन पेयर, दो पेयर. चलिए, ए वाला तो हमने देख लिया, बी वाला भी हमने देख लिया, सी वाले को देखते हैं. तो सी वाले में कितना है? सात पेयर. मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये पूरा का पूरा एक ग्रुप में आया, यानी कि ग्रुप सी में. किसमें? ग्रुप सी में. अब ग्रुप सी के बाद आता है ग्रुप डी. ग्रुप डी में तीन कौन कौन सा? 13, 14, 15. ये रहा एक ग्रुप. ठीक है, 13, 14, 15 ये रहा एक ग्रुप, यानी कि ये रहा ग्रुप डी. उसके बाद आता है ग्रुप डी के बाद ई. ई ग्रुप में 3, यानी कि 16, 17 और 18. ये हो गया आपको ई ग्रुप. ई ग्रुप के बाद एफ ग्रुप. एफ ग्रुप में 2 आता है, यानी कि 19, 20. और उसके बाद जो बाकी बच गया, यानी कि 21 और 22. जी ग्रुप हो गया, ये हो गया जी ग्रुप. और बाकी एक्स वाई, मेल में सेक्स क्रोमोजोम और फीमेल में XX क्रोमोसोम. समझ में आया? सेम इसी तरीके से ये रहा 1, 2, 3, A, 4, 5, B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C, 13, 14, 15, D, 16, 17, 18, E, 19, 20, F, 21, 22, F, 21, 22, G, एंड XX क्रोमोसोम. बात समझ में आई किस तरीके से डैनवीर चाचा जी ने क्लासिफिकेशन दिया? समझ में आया? यही जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाता है कैरियोग्राम एंड आइडियोग्राम, जिससे हमें पता चल पाता है कि क्रोमोजोम का किस तरीके से ये लार्ज है, कौन सा क्रोमोजोम छोटा है, कौन सा क्रोमोजोम बड़ा है. इस तरीके से हम लोग देखते हैं. सबसे बड़ा क्रोमोजोम एक तो यही है, देखिए यही जो ए ग्रुप का क्रोमोजोम है, यही इसी का साइज लार्ज है. ठीक है, बाकी जो बी वाले हैं ये भी, इसको भी लार्ज में कंसिडर किया गया है ना. शॉर्ट ही है, ये मीडियम हो जाता है, डी मीडियम हो जाता है ना. तो इस तरीके से साइज पता चलता है इसी कैरियोग्राम आइडियोग्राम की हेल्प से. अब हम बात करते हैं कि जो कैरियोटाइप ह्यूमन का लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है. ठीक, हाउ टू राइट ह्यूमन कैरियोटाइप. ह्यूमन कैरियोटाइप को कैसे लिखते हैं? जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम को लिखा जाता है. क्या किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम को लिखा जाता है. कैसे? चलिए लिख के देख रहे हैं. तो ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम होता है बताइए? ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम होता है? 46 क्रोमोजोम. तो क्या करेंगे? 46 क्रोमोजोम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम लिख देंगे. साथ ही क्या लिखेंगे? सेक्स क्रोमोजोम, इस तरीके से. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, उसके बाद सेक्स क्रोमोजोम. तो ये कैसा हो गया? किसका ह्यूमन कैरियोटाइप पे कौन सा हो गया? ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल.
ठीक है। अब यदि मेल का लिखना हो तो पहले टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन एक्स वाई, तो ये क्या हो गया नॉर्मल फीमेल कि नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, ठीक है। तो 46 प्लस एक्स नॉर्मल फीमेल, 46 प्लस एक्स वाई नॉर्मल मेल। अब ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये लिखने का एक तरीका है कि ह्यूमन कैरियोटाइप कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लिखते हैं, क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम को लिखते हैं, क्या करते हैं सेक्स क्रोमोसोम को लिखते हैं। अब यदि इसमें कोई डिसऑर्डर हो जाए, यानी कि कोई ऐड हो जाए, कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए, तो कोई भी एनी क्रोमोसोम जो एक्स्ट्रा ऐड हो, एनी क्रोमोसोम आइदर एडिशन हो, ठीक है, या फिर डिलीटेशन हो जाए क्रोमोसोम का, हट जाए क्रोमोसोम, रिमूव हो जाए, तो उसको ऐड करते हैं। जैसे कि ये डिजीज कंडीशन होता है, चलिए बताने की कोशिश करते हैं कैसे। यदि मान लीजिए कोई डिजीज पर्सन है, 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होता है ना, तो 46 क्रोमोसोम जो होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, और इसमें क्या हो गया एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो अब ये 46 की जगह पे क्या हो गया 47 क्रोमोसोम। अब ये एक क्रोमोसोम कहाँ पे ऐड हुआ, तो हम कुछ एग्जांपल लेके चलने की बात देखते हैं कि 46 प्लस अरे कहाँ चला गया, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका पता चल गया था और किस वे में लिखना है वो भी। तो 47 क्रोमोसोम मान लीजिए, 46 नॉर्मल था, 46 से 47 हो गया, और कैसे हुआ एक्स वाई, मान लीजिए कि ये मेल था, 46 क्रोमोसोम एक्स वाई था, मेल था, और इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, 47 हो गया। एक क्रोमोसोम ऐड कहाँ पे हुआ है, तो मान लीजिए कि 18th पोजीशन पे जो है ऐड हुआ है, ठीक है, 18th पोजीशन पे ऐड हुआ है। तो 2n प्लस 1 का नाम सुने, 2n का मतलब क्या हो गया डिप्लॉइड क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम में, 46 में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2n प्लस 1 को क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हुआ, यानी कि एक क्रोमोसोम का एडिशन हुआ, किस पोजीशन पे हुआ, 18th पोजीशन पे हुआ। तो इस ये अगर इस तरीके का सिचुएशन देखा जाता है तो उसमें डिजीज कंडीशन होता है, और इस डिजीज को बोलते हैं इडवर्ड सिंड्रोम, इडवर्ड सिंड्रोम। अब याद कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक ट्रिक्स बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इडवर्ड सिंड्रोम, यदि मान लीजिए कि 47 क्रोमोसोम है और जो है 20th पोजीशन पे, 21 पोजीशन पे, 21वां पोजीशन पे जो है क्रोमोसोम का एडिशन हुआ है, तो ये भी क्या होगा ट्राइसोमी शो करेगा, और ये जो है डाउन सिंड्रोम शो करेगा, क्या डाउन सिंड्रोम शो करेगा, ठीक है, डाउन सिंड्रोम शो करेगा। अब यदि 47 क्रोमोसोम है और 47 क्रोमोसोम में मान लीजिए कि 13th पोजीशन पे ट्राइसोमी देखने को मिला, यानी कि 13th पोजीशन, अभी हम बता रहे हैं कि ये वाला डायग्राम देखिए, जैसे कि ये देखिए, अभी क्या कह रहे थे, जैसे कि मान ले यहाँ पे 18 पे है, 18 में है, 18 में एक क्रोमोसोम, यहाँ पे दो क्रोमोसोम दिख रहा है ना, अब यहाँ पे एक और क्रोमोसोम आके ऐड हो गया, यहाँ टोटल दो थे, दो से यहाँ कितना दिख रहा है आपको, तीन है, तो 2n तो था, और प्लस 1 हो गया तो 3n हो गया, तो यहाँ पे ट्राइसोमी दिख रहा है, ठीक है, दिखने लगेगा। ये नॉर्मल था, अभी हमने इसको क्या कर दिया, एबनॉर्मल कर दिया, है ना, अब नॉर्मल कर दिया, 18th पोजीशन पे इस तरीके से हो गया, ऐड हो गया। अब जब मान लीजिए कि अभी हमने देखा कितने पोजीशन पे देखा, 21वां पोजीशन, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद कहाँ देखा हमने, 13वां पोजीशन पे, 13वां पोजीशन कहाँ है, यहाँ रहा, ये 13वां पोजीशन पे क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये डिजीज्ड सिचुएशन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो 13th पे ट्राइसोमी हो जाएगा, 13th पे ट्राइसोमी हो जाएगा, तो ये कौन सा होगा, ये पटाऊ सिंड्रोम होता है, कौन सा सिंड्रोम होगा, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे कि 47 क्रोमोसोम 47 है तो XX है,
और यहाँ पे एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आकर के ऐड हो गया, इस डिजीज को क्या बोलते हैं? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। उसके बाद 47 क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम जो है डिलीट हो गया, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम नॉर्मल होता है जिसमें से कि एक क्रोमोसोम जो है डिलीट हो गया, डिलीट हो गया यानी कि 45 क्रोमोसोम हुआ, तो 45 क्रोमोसोम प्लस एक्स एक्स होता या एक्स वाई होता, ये क्रोमोसोम डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया तो अब कैसा हो जाएगा, 45 प्लस एक्स जीरो, यानी कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम गायब है, एक क्रोमोसोम गायब है तो यहाँ किस तरीके का डिजीज शो करेगा, टर्नर सिंड्रोम से डिजीज शो करेगा, ठीक है, तो इस सिंड्रोम शो करेगा, तो इस तरीके से लिखा जाता है। यदि नॉर्मल पोजीशन हो तो अभी हमने बताया कि सिंपली टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख देना है प्लस कितना सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल है तो एक्स एक्स, मेल है तो एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है। यदि लेकिन डिजीज कंडीशन हो, एडिशन हो गया हो, डिलीटेशन हो गया, तो इन सारी चीजों में कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि तो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हुआ है तो जितना भी ऐड हुआ है टोटल जोड़ करके लिखेंगे, प्लस साथ में क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम लिखेंगे, प्लस जो है कितने में पोजीशन पे जो है चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये जो है लिखते हैं कैरियोटाइप को। अब इसको याद कैसे रखें, तो एक में फॉर्मूला है, थोड़ा सा देखिएगा। 18 साल का एडवर्ड, 18 इयर्स एडवर्ड कोड है याद करने का, ठीक है। 18 साल का एडवर्ड 21 साल की डायना को डायना फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डायना को 13 times पटाने की कोशिश की, ठीक है, पटाने की कोशिश की, बट बेचारा इसमें सफल नहीं रहा, इसकी कुटाई पिटाई इस तरीके से हुई कि इसका लंग्स किडनी फेफड़ा सब कुछ अपने पूर्वज को भी ये याद नहीं रख सका, इस तरीके से इसकी कुटाई हुई थी, ठीक है। तो एक जानी मानी कहानी है जिसमें कि 18 साल का एडवर्ड होता है और 21 साल की एक डायना होती है, जिसमें 18 साल का जो एडवर्ड होता है वो 21 साल के डायना को 13 times कोशिश करता है पटाने की, बट वो उस कोशिश में वो नाकाम हो जाता है, तो जिसके कारण इसकी बहुत ज़्यादा कुटाई पिटाई होती है और बेचारा वो दुनिया से अलविदा कहना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कोड है जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं कि 18 का एडवर्ड 21 की डायना को 13 times पटाया, ठीक है। तो एडवर्ड 18 इयर्स रिप्रेजेंट की किस पोजीशन पे क्रोमोसोम का एडिशन हुआ है, एडवर्ड दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम 21 इयर्स यानी कि 21वें क्रोमोसोम के 21वें पोजीशन पे, डायना रिप्रेजेंट फॉर डाउन सिंड्रोम एंड 13 times यहाँ पे, 13 times का मतलब 13 पोजीशन के क्रोमोसोम पे, और पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया पटाऊ सिंड्रोम, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बताइए समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। फंक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो कैरियोग्राम है इसका फंक्शन क्या होता है। खैर जितना चीजें हम लोग पढ़े स्टार्टिंग में वो सारी फंक्शन से ही रिलेटेड चल रहे थे हम लोग। तो फंक्शन ऑफ तो पढ़ रहे हैं कैरियोटाइप का फंक्शन क्या होता है। तो अब इसका यूज मेनली क्यों करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कि यदि क्रोमोसोमल एबरेशन है तो इसका पता हमें चल पाता है, इसी के थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ट्राइसोमी है या मोनोसोमी है या नल्लीसोमी हो गया है या पॉलीसोमी है, तो ये सारी चीज़ें इसी के द्वारा हमें पता चलेगा, है ना। तो क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशन के लिए जो है इसका यूज करते हैं।
उसके सेलुलर फंक्शन के लिए करते हैं। फिर जो है पास्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने के लिए करते हैं, इवेंट देखने के लिए करते हैं। उसके बाद क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी के रूप में भी देखने की कोशिश करते हैं, जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी इसका यूज करा जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो कि आपको कोजेनाइटल मेलफॉर्मेशन से ग्रसित है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो उसके डायग्नोसिस में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा, जीन मैपिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जीन मैपिंग में यानी कि जो क्रोमोसोम में जो ह्यूमन जीन का जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक है या फिर नहीं है, तो ये देखने के लिए भी जीन मैपिंग में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस में ठीक है कि बच्चे के में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मतलब अनुवांशिक कोई डिजीज तो नहीं आ रहा है, ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज तो नहीं आ रहा है, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल जो है करते हैं, इस तरीके से इसका यूज जो है हम लोग करते हैं। इतनी बातें समझ में आई बताइएगा। ह्यूमन कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होता है, ह्यूमन कैरियोटाइप कैसे क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में जाने, फंक्शन के बारे में जाने। अब जो हम लोगों ने डिजीज कंडीशन देखा है, राइट, जो हम लोगों ने डिजीज कंडीशन देखा है कि क्लाइनफेल्टर होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये सारा सिंड्रोम जो होता है किस तरीके से क्रोमोजोम को अफेक्ट कर रहा होता है, तो देखिए यहाँ पे 18th पोजीशन पे दो क्रोमोजोम भैया की जगह पे यहाँ पे तीन क्रोमोजोम आ गया, तो क्या हो गया, ये इडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम हो गया, ये इडवर्ड सिंड्रोम। 18th पोजीशन पे दो क्रोमोजोम की जगह यहाँ तीन क्रोमोजोम आ गए हैं, दैट इज द इडवर्ड सिंड्रोम। तो इडवर्ड सिंड्रोम का क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिखेगा 18th क्रोमोजोम पे। ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज द 21th पोजिशन, यहाँ पे दो क्रोमोजोम की जगह पे तीन क्रोमोजोम आ गया, यानी कि ये वाला जो हो गया आपको कौन हो गया, डाउन सिंड्रोम, राइट। अब नेक्स्ट, इसके बाद डाउन सिंड्रोम का किस तरीके से देखेगा, ये देखिए एबनॉर्मलिटी यदि हो गया तो। नेक्स्ट ये देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यदि एक्स एक्स क्रोमोजोम था और वाई क्रोमोजोम इस तरीके से एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है, ये इस तरीके से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम शो करता है। अब ये 13th पोजीशन पे जो क्रोमोजोम का एक्स्ट्रा एडिशन हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिजीज कंडीशन देखा जाता है क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटी के आधार पे। तो अब ये चीज जो हम देख पा रहे हैं कि कितने नंबर के क्रोमोजोम पे ये सारी चीजें चेंज हुई है या सारा कुछ कैसे हुआ है, ये सब हमें कैसे पता चल पा रहा है, जब हम कैरियोटाइप पढ़ रहे हैं तभी पता चल पा रहा है, तो कैरियोटाइप देखेंगे तभी पता चल पाएगा। और ये किस फेज में क्लियरली सारी चीजें दिखेंगे, मेटाफेज स्टेज ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, ओके। यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो फिर जिसको अगर कहीं डाउट होगा, कहीं कुछ पूछना होगा, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है आपको दिया हुआ है इन द चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, और जहाँ पे आप लोग लाइव रिप्लाई करते हैं वहाँ पे भी दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ कर जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ मैं बता देती हूँ, इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा, जैसा यहाँ लोगो दिख रहा है ये इस तरीके का लोगो दिखेगा, और विद्या इंस्टीट्यूट
टेलीग्राम चैनल का नेम है और दूसरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप भेज सकते हैं कोई भी अपना डाउट, उसका नाम है विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली चैनल। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके जुड़ जाइएगा जहाँ पे अपना डाउट जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ओके, अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।